नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई को दी बधाई, विकास के लिए बी एस येदियुरप्पा के योगदान को बताया अभूतपूर्व। देश के किसानों पर करीब 17 लाख करोड़ रुपए का है कर्ज, संसद में बोली केंद्र सरकार माफी की कोई योजना नहीं। अगले साल मार्च तक लॉन्च होगा महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में दी जानकारी। किशोर न्याय देखभाल संरक्षण संशोधन विधेयक को संसद की मंजूरी, बच्चों के हितों की रक्षा और आगामी पीढ़ी की जरूरतों का रखा गया ध्यान। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने उड़ाए पर्चे, सदन में भारी हंगामे के बीच लगे खेला होवे के नारे। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, पर्चे उड़ाने वाले विपक्षी सांसद हो सकते हैं निलंबित। संसद में पेगासस जासूसी कांड को लेकर एकजुट हुआ विपक्ष, राहुल गांधी बोले इस मामले पर कोई समझौता नहीं। पेगासस जासूसी विवाद पर विपक्षी पार्टियों ने की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, संसद में दबाई जा रही है विपक्ष की आवाज। पीएम मोदी 29 जुलाई को छात्रों और शिक्षकों को करेंगे संबोधित, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रसार करने वाले कार्यक्रमों की करेंगे शुरुआत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की एस जयशंकर से मुलाकात, कहा कोरोना के दौर में दोनों देशों को मिलकर काम करने की जरूरत। केरल की लेफ्ट सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार, विधानसभा में फर्नीचर तोड़ने के मामले में विधायकों पर चलेगा केस। मानव तस्करी मामले में एडीजी प्रशांत कुमार ने किया बड़ा खुलासा, त्रिपुरा के रास्ते भारत लाई जाती थी रोहिंग्या किशोरियां। बिहार सरकार ने आईएएस और आईपीएस से मांगा जवाब, पूछा कितने अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में मतभेद के बीच जयपुर पहुंचे अजय माकन, सियासी संकट सुलझाने के लिए सभी विधायकों से कर रहे हैं बात। कोरोना संकट के बीच सऊदी अरब की नागरिकों को चेतावनी, कहा रेड लिस्ट वाले देशों में जाने पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। मूसलाधार बारिश से केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बंद, हाईवे पर पहाड़ी से बरस रहे हैं पत्थर, जनजीवन अस्त व्यस्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदियों के टीकाकरण की याचिकाओं पर की सुनवाई, कहा जेल में कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में बताया सरकार। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस की देश विरोधी साजिश का पर्दाफाश, 15 अगस्त को दिल्ली जाम करने की तैयारी, अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 4 दिन होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो और ऑरेंज अलर्ट। असम मिजोरम सीमा विवाद पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, का गोरक्षा कानून और ड्रग्स पर अंकुश के कारण हुआ बवाल। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस के बीच बढ़ती जा रही है रार, विरोध में एकांतवास में गए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 7 लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट, स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना होगा अनिवार्य। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की बढ़ती जा रही है मुश्किलें, सीबीआई ने उनके 12 ठिकानों पर एक साथ मारा छापा। अश्लील फिल्म बनाने के मामले में अभी जेल में ही रहेंगे राज कुंद्रा, मुंबई की एस्प्लेनेडे कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। हरियाणा में अफसरशाही पर भड़के गृहमंत्री अनिल विज, का सीएम को खुश करने के लिए मेरे मंत्रालय के कामों में न डालने बाधा। निशिकांत दुबे ने शशि थरूर को दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस, बीजेपी सांसद ने की स्थायी समिति के चेयरमैन पद से हटाने की मांग। कोरोना के बीच मच्छरों से होने वाली बीमारियां बढ़ा सकती हैं मुश्किलें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को किया आगाह। सबसे अधिक वित्तीय संकट वाले राज्यों में पंजाब का नाम शामिल, अर्थशास्त्री मोन्टेक सिंह अहलूवालिया के पैनल की रिपोर्ट में दावा। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने नए मुख्यमंत्री को दी बधाई, बोले कर्नाटक के साथ हुए अन्याय के बाद स्थिति को करें ठीक। हवाई अड्डों पर बीते 5 साल में खर्च किए 17,784 करोड़ रुपए, वीके सिंह बोले निर्माण और साज सज्जा पर आया खर्च। आरएएस परीक्षा भर्ती 2018 के खिलाफ सड़कों पर उतरा भाजयुमो, राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का जलाया पुतला। एक साल में ई लोक अदालतों ने निपटाए 4,42,000 मामले, कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संसद में दी जानकारी। संसदीय समिति ने सरकार के प्रोत्साहन पैकेज को बताया अपर्याप्त, कहा आर्थिक पुनरुद्धार के लिए केंद्र को करने होंगे कई अन्य उपाय। परमवीर सिंह के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी गठित, वसूली धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले की जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट। पिछले साल से पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय करों में नहीं हुई कोई वृद्धि, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में दी जानकारी। नोएडा में पीडब्ल्यू ने विभाग का पूर्व अधिकारी धोखाधड़ी का शिकार, साइबर ठगों ने खाते से उड़ाए 12.5 लाख रुपए। एयरटेल में 49 की जगह 79 रुपए से शुरू होगा प्रीपेड रिचार्ज, उपभोक्ता आमदनी में बढ़ोतरी के लिए कीमतों में की गई 60% की बढ़ोतरी। असम मिजोरम सीमा संघर्ष के बाद बराक घाटी में बुलाया गया बंद, सुबह 5 बजे से सभी कारोबारी प्रतिष्ठान पर लगे रहे ताले। बलिया में हड़ताल करने पर 250 एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज, प्रशासन ने आमजन का जीवन संकट में डालने के आरोप में की कार्रवाई। करगिल में बादल फटने से लघु पन बिजली परियोजना को पहुंचा नुकसान, एक दर्जन मकान और खड़ी फसल हुई नष्ट।
उम्र बढ़ने के साथ ही कई नुकसानों को कम कर सकता है एरोबिक व्यायाम। अमेरिकी शोधकर्ताओं का दावा, तैरने से दिमाग होता है तेज। पीओके में इमरान सरकार के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा, चुनाव में धांधली और बवाल कर जीतने का लगाया आरोप। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले दो लोगों को नोएडा पुलिस ने किया गिरफ्तार, विधायकों का फर्जी लेटर और मुहर बनाकर कर रहे थे दो गोरख धंधा। हिमना प्राधिकरण का घेराव करने जा रहे किसानों को पुलिस ने रोका, विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसान यूनियन के कार्यकर्ता। रामपुर में वैक्सीनेशन कराने के लिए लगी लंबी कतारें, मास्क और दो गज की दूरी का पालन किए बिना लोगों ने काटा हंगामा। मुरादाबाद के ग्रामीणों द्वारा तालिबानी सजा देने का वीडियो वायरल, लड़की भगाने के आरोपी युवक के रिश्तेदार को उल्टा लटकाकर पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई मुरादाबाद पुलिस, एक आरोपी को गिरफ्तार कर अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पूर्व दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी नंदू नाटेकर का 88 वर्ष की उम्र में निधन, पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में पूजा रानी का शानदार प्रदर्शन, अल्जीरिया की इचक्र चैब को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, अंतिम राउंड में अमेरिका की जेनिफर मुसिनो फर्नांडीज को हराया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।